नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा कांग्रेस में चरम पर परिवारवाद, नेता महसूस कर रहे घुटन। हरियाणा में मौसम ने ली अचानक करवट, आसमान में छाए काले बादल, तेज हवाओं से लू भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत, तापमान में आई गिरावट। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा हरियाणा में बह रही है बदलाव की बयार, जनता चाहती है कांग्रेस की सरकार, कार्यकर्ता सतर्क रहें, भाजपा हाथ से बाजी निकलते देख जनता को करने लगती है गुमराह। सीएम नायब सिंह सैनी ने निर्माण श्रमिकों को सीधे खातों में लगभग 80 करोड़ रुपए की लाभ राशि जारी की। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा किरण चौधरी एक बड़ी लीडर है, निश्चित तौर से उनका लाभ भाजपा को मिलेगा। पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल सांगवान ने कहा किरण श्रुति के आने से हरियाणा में बढ़ेगा भाजपा का ग्राफ, कांग्रेस का होगा सूपड़ा सा। जींद त्रिदेव सम्मेलन में सीएम सैनी ने कहा कार्यकर्ता पार्टी की ताकत, तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकार। प्रचंड गर्मी ने बिगाड़ा रसोई का बजट, रोहतक में गर्मी से सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना बढ़े, हफ्ते भर में टमाटर 20 से 40 हुआ, शिमला मिर्च के भाव 60 से 70 रुपए तक पहुंचा। पंचकुला में भैंस चोरी के मामले में अंतरराज्यीय गिरोहों का 5,000 रुपए के इनामी बदमाश सहित 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, आरोपियों ने भैंस चोरी की 30 से अधिक वारदातों का किया खुलासा। रोहतक में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, अस्पतालों में मरीजों की भरमार। पानीपत में गर्मी में आगजनी की घटनाओं में हो रही है बढ़ोतरी, लाल बत्ती चौक स्थित 2 मंजिला इमारत में लगी आग। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से जाकर के हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।